सूबे के मुखिया पहुंचे सहरसा, चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने नवहट्टा प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया और मधेपुरा लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव को भारी वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंच पर राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र यादव, मंत्री विजय चौधरी सहित एनडीए के कई नेता मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करते हुए एक फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 साल बाद जब उसको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा तो अपने बीबी को मुख्यमंत्री बना दिया और बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा कर लिया। बताए, इतना कहीं बाल बच्चा पैदा किया जाता है क्या? उसके बाद अपने बेटी बेटा को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हम लोग अपने बेटा बेटी को बढ़ाए हैं। हम लोग के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और उसके बच्चे बच्ची सब हम लोगों के परिवार हैं। हम लोग इनके लिए काम करते हैं और ये लोग अपना काम करता है। ये लोग कहते रहता है कि पहले कोई बहाली नहीं होता था, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 2005 से लेकर 2020 तक में हमारी सरकार ने 8 लाख लोगों की बहाली की है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग बाद में आकर कहने लगा कि पहले कोई काम नहीं हो रहा था, हम ही सभी काम करवा रहे थे, इसलिए अब हम तय कर लिए हैं कि 2 बार साथ देने के बाद अब कभी भी इनका साथ नहीं देंगे, आगे सब दिन भाजपा के साथ मिलकर काम करेंगे। 2005 से पहले कोई भी शाम में अपने घर से नहीं निकल पाता था, बहुत बुरा हाल था, रास्ता तक नहीं था, आपस में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, ये सब उन लोगों के समय में होता था। इस बार भी जो कुछ कर रहा था तो हमने तो देखा, उसको समझाए थे कि कितना काम हो रहा है और बाद में आजकल कहने लगा है कि कोई काम पहले नहीं होता था, हम ही करते हैं। तो हम तो इसीलिए अब तय कर लिए कि अब कभी इन लोगों को हम कभी जो 7 2 बार हम दिए कभी नहीं देंगे और सब दिन हम लोग भाजपा और हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और कितना तेजी से काम हुआ, अगर याद कर लीजिए, जब हम लोग 5 में आए और उस समय सोचिए कि आप समझ लीजिए कि शाम में कोई घर से निकल पाता था, किसी को हिम्मत थी निकलने की, क्या बुरा हाल था। और कहीं को रास्ता था चलने का, कहीं कुछ नहीं था। और आपस में हिंदू और मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था, ये सब इन लोगों के समय में होता था। और लोगों के इलाज का भी नहीं कोई काम होता था, स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत खराब थी। और हमने बता ही दिया, सड़क नहीं था, पुल नहीं था, कहीं बिजली था। अभी नेता है, अब बिजली सब घर में पहुंचा दी है ना जी। अब आप समझ लीजिए, बिजेंद्र यादव जी आज जब से इनको मौका मिला है तो हर घर में बिजली पहुंचा दिए हैं, याद रखिएगा। इसीलिए अब लोग कभी